सिंगरौली कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खनिज विभाग ने अवैध रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रिहंद नदी के किनारे अवैध रेत का भंडार जब्त किया है। खनिज विभाग ने नियम विरुद्ध अवैध रूप से 20 डंपर रेत जब्त की है। इस कार्रवाई के बाद रेत के अवैध कारोबारी और पुलिस में मायूसी छा गई है। बता दें कि बीते कल पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने एक ट्रैक्टर को अवैध रेत का परिवहन करते पकड़ा था। वह ट्रैक्टर एक नाबालिग बच्चा चला रहा था। उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक महकमे की पोल खोल दी। इस खबर को मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद आज प्रशासन रिहंद नदी के किनारे जांच की, जहां मौके पर अलग अलग जगह पर 20 डंपर से अधिक रेत खनिज का भंडार मिला। विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेत जब्त की। विभाग अब जब्त रेत की सुपुर्दगी सहकार ग्लोबल के वलियारी कैंप में रखा है। हालांकि इसका भंडारण करने वाले का विभाग को अभी तक पता नहीं चला है। वहीं चर्चा है कि खनिज विभाग की इस कार्यवाही से रेत के अवैध कारोबारी और पुलिस विभाग का बलियारी बीट प्रभारी सदमे में है। अवैध रेत से बीट प्रभारी बना करोड़पति रिहंद नदी से अवैध रेत खनन और परिवहन कोई नया नहीं है। लंबे समय से रेत का खेल खाकी के सरपरस्ती से फल फूल रहा है। दावा किया जा रहा है कि रेत के अवैध कारोबार से बलियारी बीट प्रभारी बनने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाती, लगाए भी क्यों ना, यहां रेत जो है। सूत्रों का कहना है कि बलियारी बीट प्रभारी एक माह में लखपति और साल में करोड़पति बन जाता है।